ताकि वो साथ में मिलके रह सकें साथ में मिलके काम कर सकें लाइक आर्मी फॉर सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के लिए आर्मी की अरेंजमेंट पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए रखने के लिए पुलिस की ज़रूरत यानी पुलिस की जो सर्विस है वो भी कौन प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हेल्थ सर्विसेज़ यानी स्वास्थ्य सेवाएं ट्रैफिक फैसिलिटीज जैसे कि रोड्स रेलवे एयरप्लेन एक्सेट्रा फिर पोस्टल कम्युनिकेशन एजुकेशन सिस्टम बैंक इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड फूड फॉर ऑल सिटीजन एक्सेट्रा यानि ये जो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं इनका अरेंजमेंट कौन करेगा इनका अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है कौन करती है गवर्नमेंट करती है हावर हाउ वि गवर्नमेंट मेक ऑल दीज अरेंजमेंट्स आप जानते हैं कि गोवमेंट इन सबका अरेंजमेंट कैसे कर पाती है

जस्ट लाइक like अगर आप जानते हैं जैसे हमारा स्कूल है स्कूल में जो प्रिंसिपल सर है उन्हें पूरा स्कूल देखना है दैट मीन्स नेशनल लेवल ठीक है एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ फिर उसके बाद जो आपके क्लास टीचर्स हैं उन्हें केवल अपनी क्लास देखनी है दैट मीन्स स्टेट लेवल अब कई बार एक क्लास बहुत बड़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको मेंटेन करना एक क्लास टीचर नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं अपने अंडर में दो तो मॉनिटर्स बना देते हैं और मॉनिटर्स का काम क्या करना है अपने अपने हिस्से को देखना अपने अपने पार्ट को देखना है तो उनको हमने लोकल लेवल कह दिया तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी काम करती है अब आपको समझ में आया नाउ विल मूव एंड नो हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क एट डिफरेंट लेवल जो सबसे निचला लेवल है सबसे बेस का लेवल है वो है लोकल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कैसे एट द डिस्ट्रिक्ट लेल इन अस्टेट द लोकल गवर्नमेंट अरेंजेस फॉर द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल लाइक क्लिनिनेस ऑफ रोड्स पार्क कम्युनिटी बिल्डिंग्स एंड मैंटेनेंस ऑफ प्राइमरी हॉस्पिटल एक्सेट्रा देखिए क्या होता है एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी स्टेट के अंदर भी जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की हमने एक गवर्नमेंट बना दी जिसको हमने लोकल गवर्नमेंट का वो इसलिए किया क्योंकि उस एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी नीड्स हैं वो वहीं के लोग ही जानते हैं इसलिए उनके लिए गवर्नमेंट बना दी अब होता क्या है ये जो लोकल गवर्नमेंट होती है ये क्या काम करती है जो उस एरिया की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करती है जैसे रोड्स कैसे साफ होगी क्लीनलीनेस ऑफ द रोड्स पार्क्स कैसे मेंटेन होंगे कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे कि आपने देखा ना कम्युनिटी हॉल्स होते हैं जहाँ शादी वगैरह होती है उनका मेंटेनेंस कौन करेगा लोकल गवर्नमेंट करेगी मेंटेनेंस कौन करेगा प्राइमरी हॉस्पिटल का वो भी वो उस एरिया की लोकल गवर्नमेंट करेगी यानी एक सेट में किसी खास अगर एरिया की बात करें तो वहां का काम लोकल गवर्नमेंट देखेगी फिर इसके बाद सेकेंड लेवल है स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर सम ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल सच एज द प्रोविजन ऑफ रोड्स एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा इन द स्टेट यानी जब एक स्टेट में आ, जो लोगों की जरूरतें होती हैं कुछ जरूरतों को कौन पूरा करता है स्टेट गवर्नमेंट पूरा करती है जैसे कि रोड्स कैसे बनेंगी कहाँ कहाँ बनेंगी एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैसे काम करेंगी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को कैसे मिलेगा ये सारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है स्टेट गवर्नमेंट यानी अपने स्टेट का जिम्मा उस स्टेट गवर्नमेंट का है और फिर सबसे ऊपर टॉप लेवल पर आती है नेशनल गवर्नमेंट जिसका कंसर्न पूरी कंट्री से होता है ना कि किसी एक स्टेट से जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट क्या करती है देयर आर सम फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द होल कंट्री यानी कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसका संबंध पूरे देश से होता है सच एज सिक्योरिटी पूरे देश की सिक्योरिटी जैसे आर्मी करती है ना तो वो फैसला कौन लेगा नेशनल गवर्नमेंट करेंसी पूरे कंट्री में देखो करेंसी अब हर स्टेट की अलग करेंसी तो नहीं हो सकती कि हर स्टेट का सौ रुपए का नोट अलग होगा या वन थाउजेंड का नोट अलग होगा ऐसा नहीं हो सकता ना तो इसके लिए ये पूरे देश में एक हो इसके लिए जो भी डिसीजन होगा वो नेशनल गवर्नमेंट लेती है रेलवे सर्विस अब रेलवे सर्विस भी पूरी कंट्री के लिए होती है सच वर्क्स आर अरेंज्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट और इस तरीके के काम उनका अरेंजमेंट कौन करता है उनका इंतजाम कौन करता है नेशनल गवर्नमेंट करती है नाउ विल मूव ऑन ईजी क्वेश्चन आंसर आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे बिलोंग टू आपको नीचे दी गए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है और ये बताना है कि वो जो फंक्शन है वो किस से रिलेटेड है किस लेवल की गवर्नमेंट से रिलेटेड है जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन टू कंडक्ट बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास एट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट यानी जब एक जब वेस्ट बंगाल सरकार ये फैसला लेती है कि उसके स्टेट में जितने भी क्लास एट के स्टूडेंट्स हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम देंगे सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी एट क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये डिसीजन कहाँ पर होगा लोकल लेवल पर होगा या स्टेट लेवल पर होगा या नेशनल लेवल पर तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जब फैसला दे रही है इसका मतलब स्टेट लेवल पर फिर डिसीजन टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट्स इन मंगोलपुरी एरिया ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली में भी एक पर्टिकुलर एरिया उसके बारे में जब डिसीजन लिया गया कि वहां पर पब्लिक टॉयलेट्स बनने चाहिए तो ये कौन से लेवल का काम है लोकल लेवल स्टेट लेवल या नेशनल लेवल दिस वर्क बिलोंग टू लोकल गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल फार्मर्स इन दियर स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट का यह डिसीजन की उनके स्टेट में सभी किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अब ये फैसला कौन लेगा लोकल लेवल नहीं जब नाम आ गया हरियाणा गवर्नमेंट दट मीन्स स्टेट लेवल डिसीजन टू बिल्ड अ पार्क फॉर चिल्ड्रन इन पटना अब पटना में पाक बनाना है बच्चों के लिए पटना क्या है कैपिटल ऑफ बिहार तो यह फैसला कौन लेगा लोकल लेवल तो लेगा नहीं कौन लेगा स्टेट लेवल फिर डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वन थाउजेंड रुपी नोट अब एक हजार रुपए का नया नोट इंट्रोड्यूस कराया जाना है उसका फैसला लेगा कौन लेगा एक हजार रुपये का नोट करेंसी कौन लेता है लोकल लेवल स्टेट लेवल या नेशनल लेवल राइट आंसर इज नेशनल लेवल सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड और वेन एवर यू विल गो टू योर स्कूल प्लीज वियर योर मास्क और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच